नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच आठवें दौर की विफल वार्ता के बाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई अन्य लोग शामिल हुए। शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी के सांसदों और विधायकों के साथ पिछले 33 दिनों से तीन कृषि कानून के खिलाफ चल रहे विरोध में शामिल हुई थी। प्रियंका ने कहा था कि वे कांग्रेस किसान संघों की मांग का पूरे दिल से समर्थन करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गतिरोध का एकमात्र समाधान ये है कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर देना चाहिए। बता दें कि किसान संघों और सरकार के बीच अगले दौर की बैठक 15 जनवरी को होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आई।